दुनिया में संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो रहा है, लेकिन भारत में ये बीमार मानसिकता वाले लोगों के लिए धर्म और जाति को देखकर फैल रहा है। नमस्कार, मैं दीपिका रावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वायर। कोरोना की जंग सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना को सांप्रदायिकता के आधार पर लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड में देश के अलग अलग राज्यों से चंदा आ रहा है जो कोरोना के महासंकट से लड़ने के लिए दिया जा रहा है। किसने कितना दिया, इसका हिसाब आपको आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में मिलता रहता है। अभी तक आपने भारत में कोरोना वायरस को धर्म और जाति के आधार पर बढ़ते हुए देखा था, लेकिन अब हमारे देश का एक जिम्मेदार वर्ग भी इसी तरह की हरकत कर रहा है। असम के फॉरेंस ट्रिब्यून की तरफ से 12 लोगों ने 60,000 का दान दिया। साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि उनके द्वारा दिया गया दान किसी भी जमाती, जिहादी और जाहिल लोगों की मदद के लिए खर्च ना किया जाए। आपको बता दें कि आखिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आखिर है क्या? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स एक अर्थ न्यायिक संस्था है जो किसी के उन दावों की जांच परख और छानबीन करती है जो उसके विदेशी होने या ना होने से संबंधित है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत इसे अधिकार दिए गए हैं। असम में पिछले साल राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि NRC के आखिरी लिस्ट में 19 लाख लोग बाहर हुए थे। नागरिकता खारिज होने का आदेश मिलने के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने ये लोग भी अपील करेंगे। उनकी नागरिकता पर फैसला ट्रिब्यूनल के मेंबर ही करेंगे, यानी कि देश की ऐसी संस्था जो नागरिकता के प्रमाणों की जाँच करता है, जो विदेशी होने पर डिटेंशन सेंटर भेजता है, उस संस्था के इस तरह के पत्र आप समझ सकते हैं वो नागरिकता के प्रमाणों को कितनी निष्पक्षता के साथ जांचते होंगे। 12 लोगों की सूची में पंपा चक्रवर्ती भी शामिल हैं। पंपा चक्रवर्ती ने ही पिछले साल रिटायर्ड आर्मी अफसर मोहम्मद सनाउल्लाह को विदेशी घोषित कर दिया था। सनाउल्लाह ने भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में 30 साल तक सेवाएं और कारगिल के युद्ध के वक्त में शामिल हुए सैनिक हैं। सनाउल्लाह को पहले डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सनाउल्लाह की अपील अभी कोर्ट में लंबित है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो लोगों में उबाल था, जो भेदभाव का डर था, यहीं से आप समझ सकते हैं कि वो बेवजह नहीं था। जब देश के जिम्मेदार संस्था जो नागरिकता के प्रमाण जांचता हो वो ऐसा भेदभाव कर सकता है, तो फिर सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हालांकि ये पत्र सरकार तक नहीं पहुंचाया गया, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट इस पत्र का खुलासा करती है, जिसमें ट्रिब्यूनल मेंबर कमलेश गुप्ता के हस्ताक्षर भी हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद देश में इस भेदभाव की दीवार को गिराना होगा, ताकि देश के मुश्किल समय में लोग जाति धर्म को पीछे छोड़कर एकजुट होकर लड़ सके। फिलहाल डेमोक्रेटिक वायर में मेरे साथ इतना ही। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।